असीं देखिया भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तुहाडे नाल रेडियो नूं धक्का लगा रहे ने, तुहानूं होया की आ? पोलियो सर, हैंडीकैप है, तो उन्हें लत खराब है मेरी, इस करके मैं अपना बच्चे पालने के वास्ते खिडौने बेच के अपना गुजारा करता हूँ। इन्नी गर्मी तुसी लेके जा रहे हो, डेली आउंदे जी कि जां तुसी कदी छुट्टी भी, जो बरसात वगैरह जां जदों मौसम खराब हुंदा वा उदों नहीं आउंदे तुसी? सर मैं डेली आता हूँ, चाहे बारिश होवे चाहे जो मर्जी हो, आंधी तूफान जो मर्जी आए, काम तो करना। अगर मैं नहीं आऊंगा तो फिर बच्चों का रोटी पानी कहाँ से चलाऊंगा मैं? क्या रब जो करता है ना अच्छा ही करता है, जो भी करता है चंगे के लिए करता है, और उसमें क्या है, जैसा कर्म करके आए पीछे पास्ट लाइफ के, तो पास्ट लाइफ का कर्म इस लाइफ में वो नहीं पड़ेगा। उसमें रब का क्या कसूर है? रब को रब नु की कहना, रब नु की दोष देना? रब का कोई कसूर नहीं है। रब तो कहता है मेरे साथ रहे, मेरे साथ भजन पाठ पूजा पाठ करेगा और तो अच्छे कर्म करेगा तो मैं दूंगा। भूखा थोड़ा सुलाता है रब किसी को। आज ये लोग चोरियां कर रहे हैं, चोरियां कर करके लोगों को, गरीब ने चोरियां कर रहे हैं, तगड़े नु मारते हैं, माड़े नु भी मारते हैं, तो ये आगे कर्म लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो रब ने देना ही आगे जाके है। इस जन्म में नहीं देगा तो आगे देगा, देखना तो है। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 150-200 ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਅਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਰੱਬ ਏਕ ਦੇ ਨਾ ਤੋ ਆਦੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਜ ਏਕ ਦੇਗਾ ਤੋ ਕੱਲ ਦੋ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋ ਅਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਆਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲੇ ਆਏ कब हाँ, मैं ये कहता हूँ, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, किसी इंसान को घबराना नहीं चाहिए। आगे मुश्किलें आज झेलेंगे तो कल आगे जीत हमारी होगी। आज मैं मुश्किलें झेल रहा हूँ तो कल को मेरे बच्चे अच्छे बन जाएं। क्या पता है रब ने क्या लिखा है मेरी किस्मत में, कोई क्या जानता है। ਸਾਸੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਪੋਲੀਓ ਸਰ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ, इस करके मैं अपना बच्चे पालने के वास्ते खिडौने बेच के अपना गुजारा करता हूँ। बचपन तो पोलियो सी जा तो बाद होया? बाद होया है, बचपन से, मतलब छोटा था ना, तो 5-6 साल का था जब छोटी उम्र में हुआ था। इलाज कराने की कितनी परिवार ने कितना का इलाज कराया था? मेरे मम्मी पापा थे, जब मेरा इलाज खूब कराया तो मम्मी पापा गुजर गए, तो मेरा कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, ना मेरा भाई है ना बहन है, मैं अकेला हूँ। दो बच्चे हैं मेरे, माँ इनकी पूरी हो गई है। ਪਰ ਅਜੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਲਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ? ਬੱਚੇ ਕੋ ਮੈਂ ਰੇਡੀ ਪੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੋਲੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਤਾ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਉੱਪਰ ਕਾ ਸੀਸੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਪਾਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਥਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ, ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਲਾ, ਨਾਨਕੇ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? तो बच्चा मेरा ये 6 साल का हो गया, और वो हो गया 7.5 साल का। बच्चे हुण 6 साल दे हो गए ने, कभी पुछदे ने भी तुहाडी साडी जिहड़ी माता जी कित्थे ने, किस तरह दी सी, की कित्थे गई आ, कभी बच्चे पुछदे इस तरह? नहीं, अब नहीं पुछदे, उहनूं पहले ही पुछदे थे, अब नहीं पुछदे, अब उहनूं पता हैगा कि माँ है ही नहीं हमारी। ते मैनूं इस वजह दी इन्नी गर्मी तुसीं लैके जा रहे हो, डेली आउंदे जी कि जां तुसीं कदी छुट्टी भी, जो बरसात वगैरह जां जदों मौसम खराब हुंदा वा उदों नहीं आउंदे तुसीं? सर मैं डेली आता हूँ, चाहे बारिश होवे चाहे जो मर्जी हो, आंधी तूफान जो मर्जी आए, काम तो करना। अगर मैं नहीं आऊँगा तो फिर बच्चों का रोटी पानी कहाँ से चलाऊंगा मैं? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਰ 12-13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ।
इन्ना जो सफर आ 12 से 13 किलोमीटर बहुत सफर ज़्यादा होंगे वा, बच्चों भी कई थकावट हो जाती है, बच्चे घर जाके दसते भी असं थक गए, थक जाते हैं सर, थकते तो हैं, मैं भी थक जाता हूँ, मैं भी तो हाथ से चलाता हूँ रेडी, मैं भी हाथ नाल रेडी चलाता हूँ, थक जाते हैं। ये जी असं देखते भी ज़्यादातर जो लोग असं देखते हैं भी धार्मिक स्थान पर जो हैंडीकैप होंगे ने जो अपने कहें असी हैंडीकैप आ रब ने साडे नाल की कीता, रब ना बहुत गिला शिकवा करते हैं, रब नूं ताने मेड़े मारते हैं भी रबा तू साडी जिंदगी खराब कर दी आ, पर तुसीं भी हैंडीकैप जो पर तुहाडी सोच जिहड़ी आ उह हैंडीकैप नहीं आ, तुसीं मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल लिओ, छोटे छोटे बच्चे नाल जिहड़े तुहाडे मेहनत कर रहे हो, की कहना चाहोगे जिहे लोकां नूं? सर वो लोग उनकी सोच है, वो मेरी सोच नहीं है कि रब जो करता है ना अच्छा ही करता है, जो भी करता है चंगे के लिए करता है, और उसमें क्या है जैसा कर्म करके आए पीछे पास्ट लाइफ के तो पास्ट लाइफ का कर्म इस लाइफ में वो नहीं पड़ेगा, उसमें रब का क्या कसूर है, रब को रब नु की कहना, रब नु की दोष देना, रब का कोई कसूर नहीं है, रब तो कहता है मेरे साथ रहे, मेरे साथ भजन पाठ पूजा पाठ करेगा और तो अच्छे कर्म करेगा तो मैं दूंगा, भूखा थोड़ा सुलाता है रब किसी को, मेहनत करेगा तो मेहनत करने की हर किसी को शक्ति तो नहीं, लोग ही चाहते हैं कि घर बैठे बैठे सब कुछ आ जाए, पर रब तो मेहनत कराना चाहता है, तो रब मेहनत करोगे तो हर किसी ने रोटी देने के लिए तैयार है वो। पर गल करिए जी देखो मतलब छोटे छोटे बच्चे से जो बच्चे की माँ जी दुनिया चल जाती है उतो तुम हैंडीकैप जो तुम पोलियो होया वा, कभी तुम नहीं रब ने कभी नाराजगी की रबा कि दुख तुम दे रहे हो? मैं नहीं कहूँगा, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ मुझसे गलती हुई है, मैं जानता हूँ ना, तो मैं क्यों रब न दोष दूँ, रब क्या बेचारेगा क्या दोष है, इसमें रब का कोई दोष नहीं होता। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਰ ਉਨਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਉਨਕੋ ਇਤਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਹਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਭੀ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਤੋ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ ਤੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈਂ ਇਸ ਜਨਮ ਮੈਂ ਦੇਗਾ ਤੋ ਅੱਗੇ ਦੇਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਆਤਾ ਹੂੰ, 5 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ? ਬਣ ਜਾਂਦਾ 150 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 200 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 250 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जो रब की मर्जी है उसकी मर्जी से जो बन जाता है उसमें मैं खुश रहता हूँ। लगता नहीं भी 150-200 परिवार का बच्चों का गुजारा दुध का खर्चा हो रोशन राशन पानी की लगता इस तरह गुजारा हो जाता परिवार? गल तो ये है रब एक दे ना तो आधी में गुजारा करना चाहिए इंसान को, वो आज एक देगा तो कल 2 भी दे सकता है, उसकी मर्जी है ये तो, जैसे राखे वो रहना चाहिए, पर जिंदगी से कभी हार नहीं माननी, जो ऐसी जिंदगी है खुश होकर जीना चाहिए हर बंदे नूं, मैं तो यही चाहता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਿਲਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਣੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਣੇ ਮਿਹਣ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਵਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਦੋਵੇਂ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਆਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਏ कब मैं ये कहता हूँ, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, किसी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, आगे मुश्किलें आज जी लेंगे तो कल आगे जीत हमारी होगी, आज मैं मुश्किलें झेल रहा हूँ तो कल को मेरे बच्चे अच्छे बन जाएं, क्या पता है रब ने क्या लिखा है मेरी किस्मत में, कोई क्या जानता है। ਪਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਲੱਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੂੰ, ਕੱਲ ਕੋ ਮੇਰੇ 4 ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਡਾਲ ਕੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਕਦਾ ਹੂੰ, क्या नहीं कर सकता, दिमाग तो दिया है रब ने मुझे, लाते ही तो छीनी है, हैं तो एक चीज छीन ली तो फिर आगे भी एक चीज अगर एक रास्ता बंद करता है तो कई रास्ते खोल भी देता है।
रब को क्या दोष देना, सुनेहा की देना चाहोगे जिहे लोकां नूं जिहड़े लोक इस तरह रब नूं ताने मिण देंदे ने जां जिहड़े लोक कहिंदे ने वी साडी जिंदगी हुण नरक हो गई आ असीं अपने आप नूं जिंदगी च कामयाब नहीं हो सकदे, जिहड़े लोक इस तरह कहिंदे ने की कहना चाहोगे? उनकी सोच है, हर किसी की एक जैसी सोच हो जाए तो ये दुनिया ही बदल जाए, काहे ही पलट जाए दुनिया की। उनकी सोच है, वो उनकी सोच उनके वास्ते है, मेरी सोच मेरे वास्ते। गल करिए बच्चों की, बच्चे हम कि स्कूल पढ़ते हैं, किनी क्लास पढ़ते हैं, कि सोचा की है बच्चों वे होकर बढ़ा? सर मेरे स्कूल, मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे सरकारी स्कूल तो मैं पाए, मैं ये नहीं कहूँगा, आगे चल के हो सकता है मैं प्राइवेट से दाखिला करा सकूँ, ये रब की मर्जी है, मैं कुछ नहीं। तो बच्चों ने सोचा वा भी कि वे होकर हर कहीं माँ बाप ने सोचा हाँ भी की बना की अफसर बना के रखना वा सोचा? सर मैंने देखो इसमें सोचने वाली कोई गल नहीं होती, जो करता है रब ने करना है, आगे जितना बच्चे पढ़ेंगे तो उनका भविष्य आगे वो लिखने वाला होता है, इंसान कोई कुछ नहीं करता है। मैं इंसानों मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन कराने वाला कराने करता रहता है वही होता है। जो आपकी किस्मत में आप मीडिया में लिखे थे आपको मीडिया में डाल दिया, आगे क्या पता है आपको क्या बनाने वाला है, आप पता है आपको नहीं पता ना। तो ऐसे ही मैं जो सब मैंने अपनी ज़िंदगी उसके ऊपर छोड़ी है उसका नाम लेता हूँ और अपना खुश रहता हूँ, मुझे कोई किसी से सिका गलवा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तुम देखिए नौजवान जरा कि जिंदगी तो जो लोग हार जाते हैं अपने आप में हिम्मत हार जाते हैं, पर उन्होंने वास्ते जो नौजवान है अजय कुमार मिसाल बन के सामने आया वा, अज भी हिम्मत है, अज भी जज्बा जनून आते जिस तरह की भी इसकी जी जिंदगी है, चाहे वह हैंडीकैप है चाहे उस पोलियो होया वा, पर फिर भी अपनी जिंदगी खुश है, कह रहा वा उसमें परमात्मा के कोई गुस्सा गिला नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, जो रब ने दिता वा मंजूर आ, जो रब ने किया उस मंजू खुश आ। असं देखते हैं कि उसकी जी धर्म पत्नी जी चल गई, छोटे छोटे बच्चे हट गए, पर फिर भी जी जिंदगी दौड़ में अज भी जरा मेहनत कर रहा वा, ना कि भीख मंग के अपने बच्चों का पेट पाल रहा, अज भी मेहनत करके जो अपने परिवार का पेट पाल रहा वा, कह रहा भी जो परमात्मा करता ठीक करता वा। इस करके साडे भी दर्शकों को अपील आ, कभी भी जिंदगी गरीबी आए, बीमारी आए, जा किसी कभी मुसीबत आए, हौसला नहीं छड़ना चाहिए, तो खास करके रब ना कभी गिले शिकवे नहीं करना चाहिए। मैनू दिओ इजाजत, मैं हरजीत गरेवाल अमृतसर।